हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द न्यू लीफ। गाइस, आप सबका स्वागत है। होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने पढ़ा, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्किन रिलेटेड, हेयर रिमूवल क्रीम रिलेटेड, हेयर रिमूवल पाउडर रिलेटेड, बहुत कुछ आता है हमारे चैनल पे। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर कुछ कुछ करूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं और जो रीसेंट कमेंट्स हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रिग्जेन चौस्पेल। वो पूछते हैं मुझसे, माय एज इज 18 बट आई गेट सम अनवांटेड हेयर ऑन माय फेस डिंपल साइड। आई अप्लाइड थ्रेडिंग ऑन दैट बट इट ग्रो मोर, सो हाउ कैन आई रिमूव इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका एज बहुत ज़्यादा कम है। 18 इयर्स के एज में इधर उधर हर जगह बाल आते हैं, बट इट इज़ वेरी नेचुरल। इसको कुछ मत करिए, इसको थोड़े दिन छोड़ दीजिए। थोड़े दिन मतलब थोड़े साल छोड़ दीजिए, कम से कम एक दो साल और वेट करिए। प्लीज़ लेट इट ग्रो लाइक दिस, डोंट अप्लाई एनीथिंग, बिकॉज अगर आप अप्लाई करते हैं कुछ और चीज़ वो खराब हो जाता है, तो स्किन खराब होने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ गो विथ इट, एंजॉय दिस फेज, इसमें थोड़े थोड़े इधर उधर बाल आएंगे। उसके बाद स्टेटस फॉर यू पूछते हैं, भाई केराटिन क्रीम का नाम बताओ जो अच्छा हो और प्राइस। जो मैंने हेयर केराटिन किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बल पर लिंक आप देख सकते हैं, उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। गाइज, जो केराटिन क्रीम मैंने यूज़ किया था वो था ब्यूटी बॉटनी का। बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स नहीं होते इसमें, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। और मेरा जो केराटिन ट्रीटमेंट था वो मुझे पड़ा था 1500। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप उसको आपको ज़्यादा पड़ सकता है। फिर क्वेश्चन आता है जो मेरा फेस वॉश एंड क्लेंजर पे डिफरेंस था उस पे, अनिमुल इस्लाम का। वो पूछते हैं, ब्रो माय स्किन इज डार्क और चिक में ओपन पोर्स हैं और चेहरा इनका बहुत ज़्यादा काला भी पड़ जा रहा है, तो क्या करें। गाइस, सबसे पहले ड्राई स्किन वालों को विंटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज हमेशा स्किन खिंची खिंची लगेगी। तो इसके लिए आपको हमेशा मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर आपका स्किन डार्क हो रहा है तो इसका मतलब आपका सनस्क्रीन जो आप यूज़ करते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ गो एंड हैव अ डी टैन। मार्केट से भी आप डिटेन पैक खरीद के लगा सकते हैं या फिर पार्लर में जाकर भी डिटेन करा सकते हैं। एक बार डिटेन कराने के बाद आप देखेंगे आपका चेहरा थोड़ा साफ दिखेगा। और अगर आप डिटेन नहीं करा सकते हैं पार्लर जाके, तो हल्दी और दूध को थोड़ा मिक्स करके पेस्ट बना के अपने चेहरे पर लगाइए और उसको आधे घंटे रखने के बाद धो लीजिए। ये वीक में दो बार करिए, धीरे धीरे आपका चेहरा वापस ब्राइट हो जाएगा, जो कालापन है वो हट जाएगा। तो इसे ट्राई करिए और मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करिए। उसके बाद एम तुफैल पूछते हैं, वाव वैनिश क्रीम का, मैं सर इसको लेना है तो कैसे मिलेगा। गाइज, ऑनलाइन मिलेगा ये। आई हैव नॉट सीन वाव प्रोडक्ट्स ऑफलाइन स्टोर्स पे, बट ऑनलाइन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ आप जाके खरीद सकते हैं। क्रिएटिन ट्रीटमेंट में फिर राहुल मिश्रा पूछते हैं, भाई क्रीम का नाम बोलो। क्रीम का नाम है ब्यूटी बॉटनी। उसके बाद अखिल पूछते हैं, अच्छा इनका एक फीडबैक है, इट्स अ नाइस वीडियो ऑन माई मेन हेयर रिमूवल क्रीम जो मैंने वीडियो बनाया था उस पे। उसके बाद कुमार नायक पूछते हैं, ब्रो वी जॉन इज़ फॉर लॉन्ग लास्टिंग हेयर रिमूवल, हाउ मेनी टाइम शुड वी यूज़ इट फॉर लॉन्ग लास्ट। गाइज, वी जॉन इज़ नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग हेयर रिमूवल क्रीम। जैसा कि नॉर्मली हेयर रिमूवल क्रीम आप यूज़ करोगे, दो हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे बाल, वैसे ही वी जॉन के साथ भी सेम केस है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं एक हेयर रिमूवल क्रीम को अपने बाल को रिमूव करने के लिए, तो विद इन 6 months to 1 year यू विल सी दैट आपके बाल उस जगह से बहुत हद तक कम आ रहे हैं, बिकॉज यू आर ऑलवेज यूजिंग हेयर रिमूवल क्रीम्स टू रिमूव इट। तो बाई नेचर वहाँ से बाल थोड़े कम आने लगते हैं, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो 6 महीने से 1 साल के अंदर ये हो सकता है, बट नॉट डिपेंडेंट कि सबको होगा, किसी किसी को होता है। मेरे साथ ऐसा केस हुआ है कि जब से मैंने हेयर रिमूवल क्रीम लगा, आज से मैं 2 साल से लगा रहा हूँ हेयर रिमूवल क्रीम, तो अब मेरे बॉडी में जितने बाल पहले आते थे उतने बाल अभी नहीं आते हैं। उसके बाद रितु पूछती हैं, हाउ टू अप्लाई बायोटिक बायोफ्रूट फेस पैक एवरी डे में, जो मैंने वीडियो बनाया था, कैन वी यूज़ इट डेली। गाइज, डेली फेस पैक आप मत यूज़ करिए। फेस पैक कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, हफ्ते में 2 बार, उससे ज़्यादा आप फेस पैक को मत यूज़ करिए। वाव वैनिश क्रीम के पे एक कमेंट है जहांगीर खान का, सर इसकी पाकिस्तानी प्राइस क्या होगी। गाइस, सबसे पहले ये कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि पाकिस्तान में वाव वैनिश क्रीम अवेलेबल है या नहीं है। तो आंसर इज येस, देर इज अ साइट विच सेल्स वाव वैनिश क्रीम इन पाकिस्तान, बट आई डोंट नो द रेट, मैं पता करके आपको बता दूंगा बाद में। उसके बाद मनीष का कमेंट है कि आप वो न्यूड हेयर रिमूवल स्प्रे पे, कि वुमेन के लिए भी ये है क्या। तो आंसर इज येस, न्यूड हेयर रिमूवल स्प्रे इज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, इट्स अ यूनिसेक्स हेयर रिमूवल स्प्रे। फिर पूछते हैं इमरान खान की, वीट यूज करने के बाद अनवांटेड हेयर ग्रो फास्टर, स्किन डैमेज का कोई चांसेस है। गाइस, वीट हेयर रिमूवल क्रीम डैमेज कर सकता है आपके स्किन को, बिकॉज इसमें हार्श केमिकल्स हैं। मैंने वीट का जो वीडियो बनाया था उस पर मैंने
तब बनाया था जब मैं कोई हेयर रिमूवल क्रीम नहीं यूज करता था एक्सेप्ट वीट, बट आज के डेट में मैंने इतने सारे हेयर रिमूवल क्रीम्स के रिव्यू किया है एंड आई थिंक कि वीट से बहुत हद तक ज्यादा अच्छे अच्छे क्रीम्स मौजूद है मार्केट में, आप उनको ट्राई करिए। उसके बाद न्यूट हेयर रिमूवल स्प्रे पे गुरविंदर सिंह का कमेंट है, कैन वी यूज ऑन बियर्ड? तो आंसर इज नो, यू शुड नॉट यूज एनी हेयर रिमूवल क्रीम ऑन योर बियर्ड प्लीज। ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है मेरे चैनल पे, क्या मैं फेस पे यूज कर सकता हूँ हेयर रिमूवल क्रीम? बट द आंसर इज नो, चेहरा जल सकता है, रैशेस आ सकते हैं, हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है, तो प्लीज़ डोंट यूज़ इट ऑन योर फेस, एनी वेयर ऑन योर फेस, दिस पोर्शन, यहाँ तक कुछ नहीं, इसके बाद आप लगा सकते हैं। उसके बाद चिंटू कलिता का मैसेज है, सर आयुर हर्बल टोनर इज़ गुड और नॉट? देखिए, अगर आपके पास बजट कम है तो आयुर हर्बल इज़ गुड, नॉट एन इशू। प्रवीण राय का उसके बाद पूछते हैं, सर इज़ हर्बल प्रोडक्ट गुड फॉर यूज ऑन फेस? यस गाइज, हर्बल प्रोडक्ट आर गुड ऑन योर फेस। अतुल सिन्हा का मैसेज है, फेस वॉश करने के बाद यूज कर सकते हैं इसको क्या? जो मैंने एक फेस मसाज फॉर ब्राइट स्किन एवरीडे में बनाया था उस पर यह कमेंट है। गाइज यस, फेस वॉश करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद कमेंट आता है देवारुण दे का, एंटी पोल्यूशन मामा अर्थ का जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर, ब्रो वाई मामा अर्थ एंटी पोल्यूशन फेस क्रीम इजेंट अवेलेबल ऑन अमेजोन नाउ, काइंडली सजेस्ट? गाइज अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे एंटी पोल्यूशन क्रीम नहीं मौजूद है बिकॉज ऑफ स्टॉक नहीं है वहाँ पे, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक, बट इनके वेबसाइट पे, इफ यू गो टू द मामा अर्थ वेबसाइट एंड नाइका वेबसाइट, इट इज देयर, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। उसके बाद गाइज बहुत सारे कमेंट्स हैं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ स्पेसिफिकली, बहुत सारे कमेंट्स हैं कि हेयर रिमूवल क्रीम एंड पाउडर यूज़ करने पे परमानेंटली हेयर रिमूव होता है या नहीं होता है? द आंसर इज नहीं, कभी भी नहीं होता है। ये आप गार्ड बांध लीजिए, अगर कोई बोलता भी है आपको कि हेयर रिमूवल क्रीम लगाने के बाद परमानेंटली हेयर रिमूव हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लेज़र रिडक्शन आपको कराना पड़ेगा अगर आपको परमानेंटली हेयर रिमूवल कराना है, क्रीम से कभी भी नहीं होगा कोई भी बोल ले। सो गाइज दिस वेज सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आई थॉट कि आपको शायद हेल्पफुल रहेगा। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं बहुत अच्छे अच्छे हेयर रिमूवल पाउडर्स, हेयर क्रीम्स, हेयर टॉनिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पे, और अगर आपने पहली बार चैनल को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एक लाइक तो बनता है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।